गुड मॉर्निंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम इन वर्चुअल क्लास ऑफ एग्रीकल्चर। ये फसल उत्पादन वाली चैप्टर को हम ले रहे हैं, उसमें धान्य फसलें या सीरियल वाली फसलें हैं। उसमें मैंने कल आपको राइस के बारे में बताया था और आज मैं आपको इसमें नेक्स्ट जो धान्य फसल है मेज़ या मक्का, इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। जो प्रोसीजर पढ़ने का है धान्य फसलों में या कोई भी फसल आएगी आपकी, फसलों उत्पादन के जो मैंने आपको टिप्स बताए थे वो सारे टिप्स इसमें काम आएंगे। सबसे पहला नंबर वन क्या आएगा, वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम जिया मेज, जिया मेज और दूसरा जो आएगा वो आएगा कुल का नाम, कुल का नाम। ये धान कुल में है पोएसी या ग्रैमेनी। और तीसरा है वो है उत्पत्ति केंद्र, उत्पत्ति केंद्र। सबसे पहले इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है, मैक्सिको में इसका ओरिजिन हुआ है जो दक्षिणी अमेरिका में है, मैक्सिको, सेंटर ऑफ ओरिजन। सामान्य जानकारी हमारे को लेनी है यानी इसका क्या महत्व है। ये चौथा बिंदु जो काम में ले रहे हैं हमें वो है सामान्य जानकारी या महत्व। ये प्रमुख खाद्यान्न है, ओके। इसको इसके दाने हैं, इसको पीसकर रोटी बनाई जाती है, भुट्टे भी खाए जाते हैं, पॉपकॉर्न, अलग अलग प्रकार के मक्का हैं, इसके अलग अलग प्रकार के यूजेज हैं, पॉपकॉर्न हैं, उसके बाद में इसके फूले वगैरह, इसको फुला करके भी इसको खाया जाता है। इसके आटे को पीस करके सत्तू भी बनाया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, जैसा कि चावल में आपने देखी थी वैसी मात्रा इसमें कार्बोहाइड्रेट की अबव 70% है इसमें। तो ये प्रमुख खाद्यान्न फसल है। वैसे राजस्थान के दक्षिणी भागों में इसकी खेती प्रमुखता से होती है और इस फसल को कैसे तैयार किया जाता है, तो सबसे पहले इसमें हम इतनी सामान्य बातें पढ़ने के बाद में आप इसको खेत की तैयारी कैसे करेंगे। खेत को तैयार करने से पहले इसमें किसी प्रकार की क्यारी नहीं बनानी है आपको, इसमें आपको सीधी बुवाई है और आपको देखना है कि सामान्य हल है मिट्टी पलटने वाले हल से या हैरो से हम गहरी दो तीन जुताई कर लेते हैं। जुताई करने के बाद में इसके ढेले को तोड़ा जाता है, ढेले तोड़ने के बाद में पाटा लगा करके हम जमीन को समतल करते हैं और समतल करने के बाद में इसमें बुआई की जाती है, ये हम आपको बताएंगे। और मैंने खेत की तैयारी में आपसे ये बात करी थी कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं। एक तो किस प्रकार की मृदा ली जाती है ना, दूसरा उस मृदा का पीएच क्या होना चाहिए, तीसरा औसत वार्षिक वर्षा जो आपको ध्यान में है उस क्षेत्र में ये होती है, और वृद्धि के लिए तापमान। ये चार बातें मैंने उसमें भी कही थी और हर फसल में ये बात आपको लिखनी है ना, हर फसल में आपको ये बात लिखनी है। अच्छे जल निकास वाली, अच्छा जल निकास, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, बलुई दोमट मृदा, बलुई दोमट मृदा, अच्छे जल विकास वाली लिख देता हूं मैं, अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसका पीएच 6 से लेकर के 8.5 तक होना चाहिए।
आपने चावल में देखा था, मैंने सात बताया था, इसमें छह से साढ़े आठ। औसत वार्षिक वर्षा सामान्य है, इसमें भी 100 से 125 mm। वर्दी का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसमें फलन के समय और बीज अंकुरण के समय ये तापमान होना चाहिए। और नमी भी चाहो तो आप लिख लें 60 से 70% नमी, यानी कि वार्षिक औसत वर्षा के साथ इसको हमने जोड़ा है। ये हमने खेत की तैयारी तो करी, लेकिन हमने जो मृदा जिस में मक्का को उगाया जा रहा है वो मृदा की टाइप कैसी होनी चाहिए, वो सॉइल कैसी होनी चाहिए और उसका पीएच कैसा होना चाहिए, और जिस एरिया में हम इस मक्का को बो रहे हैं उस एरिया की औसत वार्षिक वर्षा का पैमाना भी हमारे को मालूम होना चाहिए। यदि औसत वार्षिक वर्षा हमारे को मालूम है तो उस क्षेत्र में हम मक्का की फसल को उगा सकते हैं, और वहाँ का टेम्परेचर भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये खरीफ की फसल है, मक्का भी, मक्का कैसी फसल है, खरीफ फसल है, यानी इसकी बुवाई हम कब करेंगे, इसकी बुवाई जून जुलाई में होगी, आपको बताएंगे हम। ये खेत की तैयारी के बारे में बात करी मैंने। बीज व बीज उपचार, बीज और बीज उपचार में आपको किस चीज को देखना है, बीज की मात्रा, प्रति हेक्टर आपको बीज की मात्रा कितनी लेनी है। अलग अलग प्रकार की किस्में हैं, उसमें इसकी मात्रा अलग अलग प्रकार से है, है ना। बीज की मात्रा संकर किस्मों में 20 से 25 किलो और संकुल किस्मों में 18 से 20 किलो। संकर किस्में और संकुल किस्में, इसमें 18 से 20 केजी प्रति हेक्टर, और संकर किस्मों में 20 से 25 केजी प्रति हेक्टर बीज आपको काम में लेना है। इसके अलावा चारे के लिए यदि आप मक्का को बो रहे हो, कई जगह मक्का की ऐसी किस्में उगाई जाती है जिसको खाने के बजाय चारे के रूप में काम में लेते हैं, तो वहाँ पर हमारे को 40 से 50 केजी प्रति हेक्टर बीज काम में लेने पड़ते हैं। इसके अलावा हम बेबी कॉर्न, जिसमें मैंने आपको बताया था अभी, उसके लिए किसी फसल को हम उगाते हैं, बेबी कॉर्न, तो हमारे को 20 से 22 केजी प्रति हेक्टर बीज चाहिए। ये मैंने बीज की मात्रा लिखी है। मैंने बताया सामान्य जानकारी महत्व में कि ये जो संकर किस्में हैं और संकुल किस्में हैं, ये तो इसका उपयोग तो होता है खाद्यान्न के लिए, ठीक है, और चारे वाली किस्म जो है इसमें खाद्यान्न में कम और पशु चारे में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है, तो इसके लिए हमने प्रति हेक्टर बीज ये लेना है। बेबी कॉर्न है, इसका भी खाद्यान्न में कम है। दूसरा महत्व है, जैसे पॉपकॉर्न बनाया है वगैरह बनाया है, तो उसमें 20 से 22 केजी प्रति हेक्टर आपने बीज की मात्रा लेनी है। अब बीज की मात्रा लेने के बाद में आपको बीज उपचार देखना है। जैसा कि सामान्यतः हम आपको बताते आ रहे हैं और आप सुनते आ रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि बीज हमारे को कैसा लेना है, प्रमाणित बीज। हम बीज के प्रकार आपको बता चुके हैं, कैसा बीज हमने बताया है, प्रजनक बीज, ब्रीडर, हमने केंद्रकीय बीज, न्यूक्लियर, ये बीज हम काम में नहीं लेते हैं सामान्यतः, मैंने आपको बताया था, है ना। हम प्रमाणित बीज काम में ले रहे हैं। प्रमाणित बीज वह बीज है जिस जो हमारा बीज इन्फेस्टेड नहीं है,
फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पैथोजन, उसको आपने लिया है, लेकिन उसके बाद में आपको बीज तो प्रमाणित मिला है, इस मार्क का मिला वगैरह मिला, जा जो भी आपको मिला है वो आपने बीज काम में लिया है, लेकिन उसके उपरांत भी आप ये एंश्योर हो जाएं कि उसमें किसी प्रकार का कोई पैथोजन न तो इसके ऊपर बीज के ऊपर है न बीज के अंदर किसी प्रकार से समाविष्ट है। यदि ऊपर है तो जिस वक्त बीज उगेगा उस वक्त उसके साथ पैथोजन भी ग्रो करेगा और आपकी फसल को रोगग्रस्त कर देगा, और यदि उसके अंदर है तो उसमें दो प्रकार की वृद्धियां आती है, एक तो सिस्टेमिक होती है, सिस्टेमिक यदि वो अंदर है तो जैसे जैसे आपका बीज ग्रो करेगा, एरियल पार्ट बनेंगे, रूट बनेगा, स्टेम बनेगा, प्रोब बनेगा, शूट बनेगा, लीव्स बनेगी, उसके बाद उसमें फार बनेंगे, मंजरी आएगी और दाने आएंगे, उसमें दूध बनेगा, उसके साथ साथ वो पैथोजन चलेगा। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए या इनसे बचने के लिए हम लोगों को बीज का उपचार करना पड़ता है। किसके लिए? यदि उसमें किसी प्रकार का कवक है तो कवकनाशी से, यदि उसमें किसी प्रकार का जीवाणु है तो जीवाणुनाशी से, या उसमें किसी प्रकार की बाद में खरपतवार वगैरह आ जाती है तो खरपतवार नाशी से, ये सारी चीज़ें हमारे को काम में लेनी है। तो कैप्टन या थायरन, कैप्टन या थायरन, थायरम 3 ग्राम दवा, कैप्टन या थायरन ये एक प्रकार का कवकनाशी है, ये 3 ग्राम दवा आपको काम में लेनी है, या फिर कार्बन जन्म 50 WP, कार्बन जन्म 50 WP बीज को उपचारित करने के बाद में आप बोएंगे तो बीज में किसी जो बीज है वो डिजीज फ्री हो जाएगा और आपका जो फसल उगेगा वो कैसा उगेगा, जिसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। ओके, अगला बिंदु आपको इसमें देखना है, वो देखना है आपको खाद एवं उर्वरक। इसमें सड़ी गोबर की खाद, मैंने आपको गोबर खाद पढ़ाया था तब आपको मैंने बताया था सड़ी गोबर की खाद की पहचान क्या है, आप उसी को लेंगे, ये नहीं कि गोबर जाके आपने खेत में डाल दिया, नहीं, सड़ी गोबर की खाद आपको लेनी है, सड़ी गोबर की खाद, उसके बाद NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इसकी मात्रा भी आपको काम में लेनी है। ठीक है, तो 50 से 20 टन तो आपको लेनी है सड़ी गोबर की खाद, 15 से 20 टन सड़ी गोबर की खाद, मैंने 50 से 20 बोल दिया, सॉरी 15 से 20 टन सड़ी गोबर की खाद आपको काम में लेनी है, और उसके बाद में आपको 80 से 120 kg नाइट्रोजन लेनी है, और नाइट्रोजन को एक साथ काम में नहीं लेंगे, जैसा आप सुनते आ रहे हैं नाइट्रोजन को एक साथ काम में नहीं लेंगे, नाइट्रोजन को दो पार्ट में, कहीं कहीं पे 3 पार्ट में भी लेते हैं, क्यों कि नाइट्रोजन को यदि आप एक साथ लेते हैं तो इसका वाष्पन हो जाएगा और नाइट्रोजन जितनी पौधे को मिलनी चाहिए उतनी पौधे को नहीं मिलती है, तो इसको आप 2 या 3 पार्ट में लेते हैं। उसके बाद में आपको फास्फोरस लेना है 50 से 60 kg, ये एक साथ लेना है, 50 से 60 kg फास्फोरस लेना है, ये जिस वक्त आप बुवाई कर देते हो उस वक्त इसको काम में लेना है, और आपको लेना है कितना, 50 से 60 kg हो गया, और 20 से 30 kg आपको लेना है पोटास। इसमें बीज उपचार के साथ में मैंने आपको बुवाई नहीं बताई है, मैं बुवाई और बताना चाहता हूं, बुवाई और बीज की गहराई,
बीज कितनी गहराई में जाना चाहिए और बुवाई का तरीका क्या होना चाहिए, ये सब इस बीज वाले में पोर्शन में ही है। बुवाई का समय भी है, बोने का तरीका भी है। कतार से कतार के बीच की दूरी यानी कि लाइन टू लाइन 45 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 से 60 लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखते हुए हम कतारों में बीजों को बोते हैं। और बुवाई हमारे को कितनी गहरी करनी है, कहाँ लिखा मैंने, ये बुवाई की गहराई जो है 5 से 6 सेंटीमीटर गहरा बीज आप जाना चाहिए गहरा। और हल से या ट्रैक्टर से हम इसकी जुताई या बुवाई करते हैं, ठीक है। और बुवाई का समय मैंने पहले ही लिख रखा है, जून से जुलाई, ये बुवाई का समय। अब बुवाई के समय ही आपको ये सड़ी गोबर की खाद देनी है 25 से 20 केजी, लेकिन यदि आप इसको जुताई करते हैं उस वक्त भी यदि आप सड़ी गोबर की खाद दे देते हैं तो भी हमारा जुताई के समय सड़ी गोबर की खाद यदि दे दी जाती है तो भी हमारा काम चल सकता है। और यदि किसी कारणवश यह खाद उसमें उपलब्ध नहीं है और आपने जुताई के समय नहीं दी है तो यह खाद आप बुवाई के समय जिस वक्त आप बुवाई कर रहे हैं उस वक्त आप सड़ी गोबर की खाद देंगे और नाइट्रोजन इसकी आधी कर दीजिए, 40 से 60 केजी बुवाई के समय और बाकी रिमेनिंग फूल आने के समय एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग। और ये सारी एट द टाइम ऑफ सोइंग और ये भी एट द टाइम ऑफ सोइंग। फास्फोरस और पोटास ये सोइंग के समय में पूरा का पूरा एक साथ देना है। नेक्स्ट पॉइंट सिंचाई की जाती है। एक तो जिस वक्त बुवाई होती है उस वक्त तो सिंचाई की जाती है, इसके अलावा आपको सिंचाई फूल आने के समय, दाना बनने के समय, मंजरी और पुष्पन के समय, ये क्रांतिक अवस्थाएं हैं। फूल आने के समय, दाना बनने के समय और मंजरी आने के समय, ये क्रांतिक दशाएं हैं। और क्रांतिक दशाओं के बारे में आपको सिंचाई के दौरान मैंने बताया था। क्रांतिक दशा वह दशा है जब पौधे को बैडली नीडेड रहती है पानी की, उसको बहुत ज़्यादा जरूरत रहती है पानी की। प्लांट या क्रॉप इज इन बैड नीड ऑफ इरिगेशन, उसको क्रांतिक दशाएं। तो इसमें मुख्य रूप से तीन दशाएं जो है ये आपने वैसे तो बुआई के समय तो करते ही हैं, लेकिन उसके बाद में फूल आने के समय, दाने आने के समय और मंजरी निकलने के समय भी इसकी सिंचाई की जाती है। एक एक बिंदु करके मैं ले रहा हूँ। निराई गुड़ाई या फिर खरपतवार उन्मूलन, उन्मूलन निराई गुड़ाई, खरपतवार उन्मूलन में निराई गुड़ाई के साथ स्तंभन भी है। स्तंभन की क्रिया मक्का के पौधे में भी की जाती है। कुछ पौधे जो होते हैं वो आप क्या बोलते हो, लुढ़ गए, झुक गए, इन पौधों को सीधा खड़ा करना है। इन पौधों की पत्तियां या अग्रभाग को बांध करके आप इसके तने के भाग से बांध दें, यह क्रिया स्तंभन नहीं कहलाती है, प्रॉपिंग कहलाती है। 11th की क्लास में आपको मैंने बताया था प्रॉपिंग क्या है। लेकिन निराई गुड़ाई में क्या होता है कि जैसे पौधे से पौधे के बीच की दूरी आपने रखी है या कतार से कतार के बीच की दूरी रखी है, लेकिन उस दूरी के अंदर भी यदि कोई दूसरी अवांछित फसल है तो उसको आप निदान जिसको करते हैं उसका करना है आपको खुरपी की सहायता से, हाथों की सहायता से,
या केई की वगैरह जो भी आपका यांत्रिक औजार है उसकी वजह से करेंगे, और इन सब को करने से भी किसी प्रकार का निदान नहीं होता है तो आप खरपतवार नाशी का भी प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप जानते हो एट्राजिन और ट्रेफाजिन। ये सवाल एक बार परीक्षा में आया हुआ है कि मक्का के पौधे में बुवाई के बाद कब एट्राजिन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है 45 डेज। ट्रेफाजिन, एट्राजिन, ट्रेफाजिन, ये दोनों के दोनों खरपतवार नाशी हैं। मैं इस प्रकार से चल रहा हूं बहुत ही कि आपको रोज एक फसल मैं करवाने के मूड में हूं। इसके नोट्स भी आपको हम उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। और अब आप सुन रहे हैं जो बिंदु 1 2 3 करके चल रहे हैं वो आप देखते जाइए, ये बिंदु सब में आएंगे, ये छठे का ये भाग ही है, ये सातवां, आठवां, ये नवां। अब है पौध संरक्षण। पौध संरक्षण यानी कि पौध व्याधियां। मैंने आपको कहा कि जब आपने बीज को प्रयोग में लिया है तब आपने बीज उपचार किया है, लेकिन वातावरण की परिस्थितियों की वजह से पारितंत्र में किसी प्रकार की असंतुलन हो जाए उसकी वजह से, या किसी प्रकार से पैथोजन खड़ी फसल पर पहुंच जाए और उसको रोगग्रस्त कर दे, तो आपको पौध संरक्षण के लिए जाना पड़ेगा। कीटों से भी व्याधियां उत्पन्न होती है, उन सारी व्याधियों को बोलेंगे कीट व्याधियां। ये कीट व्याधियां जो है, कीड़ा कहीं से भी आ सकता है। अब जैसे अभी आप बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है और आपने सुना भी है कि किसान की खड़ी फसल में टिड्डी आ गई। अब ये तो बहुत बड़ा जो हमला है फसल पे है, लेकिन छोटे मोटे कीड़े भी हैं, उसके लार्वा हैं, उसके प्यूपा हैं, या उसका जो निम्फ है या वयस्क कीट है, ये भी यदि दानों के अंदर घुस जाए या कोमल पत्तियों को काट लें तो भी फसल जो है वो रोगग्रस्त हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं कीट व्याधियां। कीट व्याधियों में पहला है वो है तनाछेदक व्याधि। तनाछेदक ये वयस्क कीट द्वारा तने के अंदर कुतर के छेद करके अंदर पहुंचा जाता है, तने को खोखला किया जाता है, ये कहलाती है आपकी कीट की सूंडियां या लार्वा तने में घुसकर उसको खोखला करते हैं, जिससे तना टूट जाता है और पौधा नीचे गिर जाता है। तो काम क्या लोगे आप, या तो लेंगे सेविन 2 ग्राम, दो सेविन, या लेंगे एंडोसल्फान, एंडोसल्फान का छिड़काव कीजिए। एंडोसल्फान, एंडोसल्फान दवा का नाम आपने बहुत खूब सुना है, 35 cc या सेविन, 35 cc एंडोसल्फान का छिड़काव कीजिए या सेविन प्रति हेक्टर 2 kg, ये इसका छिड़काव करने से तना छेदक रोग से हमारे को निजात मिल सकती है। दूसरी जो कीट व्याधि है जिसका नाम है लीफ रोल रोग, लीफ रोल रोग, इसमें पत्तियां मुड़ जाती है, पत्तियां सीधी खड़ी नहीं रहती है, उसमें घेरा बन जाता है, ये भी पत्तियों की जो कीट की सूंडियां हैं इस पर आक्रमण करती है, जिससे पत्तियां वेलित हो जाती है या मुड़ जाती है। और इसका इलाज कैसे करेंगे, यही सेम 7-2 kg प्रति हेक्टर काम में लें, या एंडोसल्फान 35 cc का छिड़काव करें
तो पत्तियां का वेलित होना रुक जाएगा, कीट है इसके अंदर की सुंडिया वगैरह प्रवेश नहीं कर पाएगी। तना मक्खी रोग, तना मक्खी रोग एफिड जिसको बोलते हैं, आपने नाम सुने होंगे, अलग अलग नाम है। तना मक्खी रोग यह रोग जो है अलग अलग अवस्थाओं में होता है। कीट तने में छिप जाता है और उसको तरह तरह से नुकसान पहुंचाता है अलग अलग दशाओं में। तना मुलायम है, कोमल है, उससे प्रोह निकल रहा है, पत्तियां निकल रही है, तो अलग अलग दशाओं में ये पहुंचकर उसको नुकसान पहुंचाता है। और इसकी रोकथाम के लिए हम थीमेट या प्रोस्टेट 10 से 12 थीमेट 10 से 12 केजी प्रति हेक्टर ये काम में लेते हैं तो तना मक्खी रोग से निजात मिल जाती है। कटवर्म रोग अगला कीट व्याधि है। कटवर्म रोग ये जब बीज को बोया जाता है अंकुरण के समय इसका आक्रमण शुरू हो जाता है और इसकी रोकथाम के लिए भी हमने सीमेट या फॉरेट 2 ग्राम ये प्रति केजी बीज से यदि हम करें तो इसका निदान हो जाता है। तो ये पहला बिंदु मैंने आपको बताया सारा का सारा वो कीट व्याधियों से संबंधित है। अब मैं आपको अन्य रोगों के बारे में बता रहा हूँ जिसके अंदर कीटों के अलावा दूसरे रोगजनक काम करते हैं, जैसे कि कौन करे, जैसे कवक, जैसे जीवाणु वगैरह यदि करें तो इसको हमने अन्य रोगों में लिया है। कवक या जीवाणु रोग, इसमें कंड या स्मट रोग, स्मट ऑफ मेज, स्मट रोग जिसको हम हिंदी में कंड रोग भी बोलते हैं, इंग्लिश में हमको स्मट रोग बोलते हैं। ये क्या होगा, इसमें मक्का के जो बीज हैं इसके अंदर ये प्रवेश कर जाएगा कवक और बीजों को अंदर काले चूर्णिल धागे बन जाएंगे, पाउडर बन जाएगा और यह रोग पिथियम द्वारा, इसके अलावा हाँ पाइथियम से कंड रोग तो नहीं होगा लेकिन पाइथियम रोग जो है इसमें तना सड़न रोग, सॉरी ये नया नाम लिखना था मेरे को, तना सड़न रोग ये पाइथियम द्वारा फैलता है, ये भी कवक रोग है और वो स्मट रोग है, वो बैसिडियोमाइसिटिस कवक के द्वारा फैलता है। उसमें मैंने बताया कि दानों में मक्का के दानों के अंदर काले रंग की चूर्णिल सैंती बन जाती है और वो दाना पूरा का पूरा खराब हो जाता है और इसमें टेलिटोस्पोर या बैसिडियोस्पोर बनते हैं जो बाद में अन्य दानों को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए हमारे को इसको खत्म करने के लिए बुवाई के समय हम कॉपर कवकनाशी का प्रयोग करते हैं। इसमें भी करेंगे क्या करेंगे, कॉपर कवकनाशी का प्रयोग करने से कंट्रोल खत्म हो जाएगा और तना सड़न रोग भी खत्म हो जाएगा। ये सारी बातें आपको बताई। अब अगला बिंदु वो है कटाई एवं बढ़ाई। चल रहे थे हम 6, 7, 9, 10 और ये 11, 9, 10 और ये 11 कटाई और बढ़ाई, और नेक्स्ट और लास्ट 12 है वो है उपज और उत्पादन। कटाई और बढ़ाई में क्या किया जाता है, कब करेंगे इसकी कटाई, आप अलग अलग फसलें हैं इसके पकने का समय अलग है, वैसे देसी किस्म है 3.5-4 माह में पक जाती है, जब दाने में 15-20% नमी रहे 3.5 माह में पक जाएगी और दाने में 10-15% जब नमी रहे
तब इसकी कटाई की जाती है और डंडों के साथ इसको कटाई की जाती है, और उसके बाद में भुट्टे तोड़े जाते हैं या और पत्तियां पीली पड़ जाए फिर इसको आप नीचे से भी तोड़ सकते हो। सारा सारा पत्तियां के पीले पड़ने पर 3.5 माह के समय में आपका एक है पत्तियां पीली पड़ जाए तब आप इसको कटाई करते हैं। कटाई करके या तो उसको समूली उखाड़ देते हैं और नहीं तो आप इसके भुट्टे हैं इसकी कटाई की जाती है। ओके, अब जो हमने खेत में फसल बोई है जिसके ऊपर हमने इतना सारी चर्चा करी है कि कैसे खेत को तैयार करेंगे, मुख्य रूप से यहाँ से चल रहे हैं हम लोग, कैसे खेत को तैयार करेंगे, कैसी मिट्टी में उगाएंगे, उसके लिए कितनी वार्षिक वर्षा चाहिए, क्या तापमान चाहिए, कितनी नमी रहनी चाहिए, किस प्रकार से हम उसको बीज काम में लेंगे, उसकी बुवाई का क्या तरीका है, बीज को कितनी गहराई में डालेंगे, बीज को किस प्रकार से उपचारित करेंगे, फिर उसमें खाद किस प्रकार से देंगे और कब कब सिंचाई हमारे को करनी है, और यदि उसके ऊपर किसी प्रकार का रोग लगता है तो उस रोग का निदान कैसे करेंगे, ये सब बातें यदि हम ध्यान से करें और समय रहते हमारी कटाई और मड़ाई करें तो हमारे को इससे कितना बेनिफिट हो रहा है उत्पादन के रूप में या उपज के रूप में। तो जितनी भी संकर किस्में हैं, संकर किस्में हैं, इसमें 40 से 45 या 45 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टर उत्पादन होता है। ठीक है, संकर किस्मों में, संकर किस्मों में कितना होगा 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टर, और ये था जो मैंने ऊपर लिखा है वो संकर किस्मों में, संकर किस्मों में 45 से 55। और चारे वाली फसलें हैं इसके अंदर ये और भी कम। इस तरह से आपने मक्का की खेती करी, किस प्रकार से करी, किस प्रकार से इसकी बुवाई करी और क्या क्या आपने ध्यान रखा, जो मैंने एक एक करके आपको बिंदुवार चीज़ें बताई है ये सब आपने ध्यान में रखा है तो हमारे पास नेट रिजल्ट है वो ये है, हमारी उत्पादन कितनी आई 45 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टर। वो जमीन के अनुसार जैसा कि मैंने बताया ये राजस्थान के दक्षिण राजस्थान का भाग है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ और फिर जो इससे लगता हुआ भाग मध्य प्रदेश क्षेत्र है उसमें यह खेती की जाती है। इसको मारवाड़ में ऐसा बहुत कम उपयोग होता है और मारवाड़ में इसको कम ही खाया जाता है, मारवाड़ में बाजरा खाया जाता है ज़्यादा। ये आप लोगों को समझने की बात थी जिसको मैंने ब्रीफली कहिए, शॉर्टली कहिए या डिटेल में कहिए, जो कुछ भी है, क्योंकि मैं अब ये समझ रहा हूँ कि जब आपको बिंदुवार चीज़ें बताई जाती है, हर फसल में एक ही चीज़ बताई जाएगी, खेत कैसे तैयार करेंगे, कैसी उसमें मृदा होगी, उस मृदा की पीएच कैसी होगी, उसमें औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र देखेंगे, वर्दी का तापमान देखेंगे, फिर हम बीज कितना लेंगे अलग अलग किस्मों के लिए और उसको कैसे हम उपचारित करेंगे, फिर उसको पौधे से पौधे के बीच की दूरी कितनी रखेंगे, कतार से कतार के बीच की दूरी कैसे रखेंगे और उसको कितना गहराई में बोएंगे, ये सारा वैज्ञानिक तरीका है। इसको आप परंपरागत तरीके जो किसान के हैं उसको जानकारी नहीं है वो आपने बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर आपने बताएं और समझाएं कि इतनी दूरी रख करके इतनी गहराई में इस तरह से उपचारित करके बीज को बोने से हमारे को फसल ठीक मिलेगी और हमारा जो रोगग्रस्त पौधा है वो कम होगा। और उसके बावजूद भी यदि रोगग्रस्त हो जाता है तो मैंने आपको बताया कि ये क्या क्या रोग इसमें संभव हैं, ये तना छेदक रोग है, लीफ रोग है, तना मक्खी रोग है, कटवर्म रोग है, यस्मर रोग है, तो इनके लिए भी अपन जो है विस्तार से इसका उपचार कैसे करेंगे इसको देखेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे रिगार्डिंग द साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ
मेज। इसके अलग अलग किस्में हैं। सॉरी मैंने आपको एक चीज़ छोड़ दी है, मैंने अभी जैसे किस्में बोला था मेरे को याद में आया कि इसकी उन्नतशील किस्में कौन कौन सी है, ये मैंने आपको बताया ही नहीं है, ये मुझे बताना ज़रूरी था कौन कौन सी किस्में हैं जिसको हम काम में लेंगे, है ना। उन्नतशील किस्में मक्का की, आपको बाकी चीज़ें मैंने सब बता दी लेकिन उसकी उन्नतशील किस्में नहीं बताई आपको। तो इसमें संकर किस्में, शीघ्र पकने वाली किस्में, संकुल किस्में और कंपोजिट किस्में, तो चार प्रकार की किस्में हैं उन्नतशील किस्में, है ना, उन्नतशील किस्में। इसमें आपको ध्यान में देखना है, एक तो शीघ्र पकने वाली, शीघ्र पकने वाली मैंने 3.5 महीने कहा है लेकिन फिर भी आप उसको 3 महीने में लाना चाहते हैं शीघ्र। संकुल किस्में, इसके अंदर कौन कौन सी हमने फसलें काम में लेंगे उन्नतशील। फिर संकर किस्मों में कौन कौन सी किस्में आप में काम में लेंगे। फिर यदि चारे के लिए उगा रहे हैं तो चारे के लिए कौन कौन सी किस्में काम में लेंगे। मुख्य किस्में उन्नतशील, ये आपका एक क्वेश्चन छोटे रूप में परीक्षा में आता भी है, ये आपको मेरे को बीच में लेना चाहिए था, ये बीज उपचार या खाद से पहले, है ना, ये काम में लेना है। शीघ्र पकने वाली किस्मों में 2-4 नाम लिख लीजिए, आप याद कर लीजिए, है ना। तो शीघ्र पकने वाली जो फसलें हैं उसके अंदर गंगा 11 और डेकल, ठीक है, और संकुल किस्मों में माही, कंचन, नवजोत और अरावली, कंपोजिट में चंदन सफ़ेद और मक्का 2, और चारे वाली किस्में हैं इसमें भी वही है चंदन और कंपोजिट। ये फसलें जो रह गई थी इसके बारे में मैंने आपको बताया। उन्नतशील किस्में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदु है जो मैं ओवरसाइट हो गया हमारे से, मैंने बाद में जाके आपको बताया। इस पर जब सवाल डाला जाता है परीक्षा में आता है, बोर्ड का पेपर बनता है, तो उसमें ये 2 उन्नतशील किस्मों के बारे में पूछा जाता है। और मैंने आपको कहा था यदि आप इस प्रकार से बाइफर्केशन करके लिखेंगे कि 2 उन्नतशील किस्में, तो शीघ्र पकने वाली दोनों लिख सकते हैं, संकुल किस्में 2 लिख सकते हैं, संकर किस्में 2 लिख सकते हैं, चारे वाली किस्में लिखना चाहते हैं या कंपोजिट किस्में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, और एक ये लिख सकते हैं, एक ये लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। क्योंकि परीक्षक आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सी फसल के बारे में लिखना है, वो आपसे पूछ रहा है 2 उन्नतशील किस्में। तो व्हाटएवर आप 2 उन्नतशील किस्में लिख रहे हैं उसके बारे में आप कहें कि ये मध्यम देरी से पकने वाली, इसमें मध्यम देरी भी है, शीघ्र पकने वाली, मध्यम देरी से पकने वाली और चारे वाली या कंपोजिट, अलग अलग है। इन सब को चिन्हित करते हुए यदि आप बताएंगे तो आपका उत्तर प्रभावशाली होगा। तो ये ध्यान रखिए, आप पढ़ तो सभी लेते हैं, सुन भी सभी लेते हैं, इसमें से सारे लोगों को एक जैसे नंबर नहीं आते हैं। इसका कारण क्या है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आप से जो पूछा जा रहा है उसका आप रिप्लाई किस प्रकार से दे रहे हैं, है ना। आपसे पूछा जा रहा है उन्नतशील किस्म है, आपने लिख दिया चंदन माही, आपने 2 लिख दी चंदन और माही, आपको नंबर उस स्टूडेंट से कम मिलेंगे जिसने लिखा है चंदन और माहिल जो है किस प्रकार की फसल है, शीघ्र पकने वाली है या मध्यम देरी से है, या संकुल है या संकर है या चारे वाली, ये जिसने लिखा है उसको पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच फॉर